लोग जो हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे 2 के बाद 3, 4, 5, 5, 7, 9, इसमें कौन सा प्रोसीजर जो हमें लगता है कि फॉलो हो रहा है उसको देख के चलना है हमने। जहाँ तक मेरे को लग रहा है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, देखिए अब 2 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 5, मतलब 2 + 3 हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 5 हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें तो 3 में 4 ऐड हुआ है, इसीलिए 7 हो गया। फिर 4 में 5 ऐड हुआ है, इसीलिए 9 हो गया। तो फिर 5 में क्या ऐड होगा, 5 में 6 ऐड होगा और आपका आ जाएगा 11। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका 11 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसका क्या आंसर लगता है वो आप लोग जो है बता सकते हैं। बाकी आप लोग जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग जो सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।